पश्चिमी उत्तर प्रदेश के यूपी में दहेज के लोभियों का लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते आए दिन किसी न किसी परिवार की महिला को इसकी भेंट चढ़ना पड़ता है। जिस पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दहेज प्रथा पर रोक लगाने में नाकाम साबित होती नजर आ रही है। जहां आपको बता दें, ऐसा ही एक मामला मेरठ के थाना रोहटा क्षेत्र के सतवाई गांव का है, जहां पार्थी की पुत्री शबनम का निकाह करीब 4 वर्ष पूर्व अफसर पुत्र नईम गांव काशी थाना परतापुर से हुआ था। शादी समारोह के दौरान पार्थी ने करीब 9 लाख रुपए शादी पर खर्च किए थे, लेकिन शबनम के ससुराल वालों को 9 लाख रुपए का दहेज कुछ भी नहीं लग रहा था। साथ ही पीड़िता ने बताया कि शादी के कुछ समय पश्चात उसके ससुराल वाले उसे बुरी तरह से प्रताड़ित करते रहे और उसके साथ लगातार मारपीट और गाली गलौज भी किया करते थे। पीड़िता के कई बार विरोध करने पर भी ससुराल वाले बाज नहीं आ रहे थे। जब पीड़िता के घर वालों ने ससुराल पक्ष से पूरी वजह जाननी चाहिए तो ससुराल पक्ष ने पीड़िता के घर वालों से एक गाड़ी की मांग की और कुछ कैश भी मांगा गया, जिसके चलते पीड़िता के घर वालों ने ससुराल पक्ष वालों की गाड़ी की तो मांग पूरी कर दी, लेकिन कैश की मांग पूरी न कर पाने के चलते पीड़िता के ससुराल वाले अब भी खुश नजर नहीं आ रहे थे। पीड़िता ने बताया कि उसका पति अफसर लगातार उसके साथ मारपीट और गाली गलौज करता आ रहा था। जब बात इतनी बिगड़ गई कि ससुराल पक्ष वालों को अपनी बहू बिल्कुल नासूर नजर आ रही थी, तो पति अफसर के परिजनों ने मिलकर अपनी बहू को जहर दे दिया। जब इसकी सूचना पीड़िता के घर वालों को मिली तो घर में हाहाकार मच गया। तुरंत पीड़िता के घर वाले पीड़िता को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल पीड़िता की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पीड़िता के बयानों पर पुलिस ने पति अफसर और उसके परिजनों पर मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। अब देखना यह होगा कि दहेज के इन लोभियों को प्रशासन किस प्रकार सजा देगा, या फिर यूं ही दहेज के लोभियों का अपनी बहू को जहर देकर मारने का सिलसिला लगातार चलता रहेगा। क्या नाम है तुम्हारा? गुलजार मलिक। क्या हुआ? ये मेरी बहन है सर, तो और इसको करीब 4 साल पहले हमने शादी करी लड़के की कस्सी गांव में, परतापुर कस्सी में, और इसे 4 साल में कम से कम भी नहीं 20 बार हमने पंचायत करवा दी। इन्होंने मारपीट के दहेज के मामले में हर बार के यही होता है कि हर बार बार इसके पैसे दिए जाते हैं। बीच में कार के लिए भी मांग करी, 3 लाख रुपये भी दिए हमने। उसके बाद भी परसों से ही लोंडिया मारपीट के घरों घेर रखी थी, और इसका फ़ोन भी हमें कोई नहीं करा गया, जहर देने के बावजूद भी। हमने ये जब हमें किसी पड़ोसी से पता लगा कि ऐसे ऐसे बात है, जब हम वहाँ पहुँचे तो इसकी हालत ऐसे ही पाई जैसे बताई गई, और हमने इसे तुरंत वहाँ से 100 नंबर पर फ़ोन करा और अपनी लड़की को लेके हम वहाँ से पुलिस वालों ने दिलवाई, थाने में आकर रिपोर्ट करी। उसके बाद हम इसे ला के यहाँ भर्ती कर दी, और 2 दिन हो गए, दूसरा दिन है आज कल शाम से, कोई पुलिस वालों की कोई कार्रवाई नहीं है। बताओ इस बारे में हम क्या कर सकते हैं?